हेलो शार्क्स, क्या आप कभी अपने फादर से पिटे हैं? आप अश्नीर तो शार्क्स, एज यू नो, बीइंग अ मिडिल क्लास फादर अपने बच्चे को पीटना एक हॉबी बन चुकी है। पर आप कितनी बार चप्पल फेंक के मारेंगे? डैमेज इज ऑलमोस्ट जीरो। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रेजेंटिंग आउच मम्मे, घड़ियाल की चमड़ी से बनी है यूनिसेक्स बेल्ट एक फादर की ना सिर्फ हथियार बल्कि दोस्त भी है। आप इसे किसी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर, ये बेल्ट निशान नहीं छोड़ती। अरे वाह, कमाल है। देखो, एक दो फंडामेंटल क्वेश्चन अभी भी है, उस वजह से आई एम आउट। पर्सेंट ठीक है, 1% डेट, 1 करोड़ डेट परसेंट, 1.5% मैं मैच करता हूँ, बोल दो शख्स के साथ। बट सर, हमारा एक ड्रॉबैक है, हमारे कंपेटिटर्स ने टेस्टिंग के लिए गर्लफ्रेंड बना रखी है। तो हम भी बना लेंगे। सर, आप गर्लफ्रेंड बनवा दो, 100% इक्विटी ले जाओ। ठीक है, डन। कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है सवाल जवाब के एक नए एपिसोड में। तो कुछ दिन पहले मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया था कि #1Harry इस्तेमाल करके अपने सवाल पूछो। मुझे पता है पिछले साल हम ये नहीं कर पाए थे, पर इस साल परंपरा जारी है। तो आओ यार, अपनी नाभि में से रुई निकालना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। इज इट ऑफ बीइंग इल्यूमिनाटी? नहीं, गालियां ही तो देनी होती है। Where do you think you would be if you had chosen stand-up comedy instead of YouTube? जेल में। आपने कभी जिसे रोस्ट किया हो वो बंदा कभी आपके पास आकर आपसे झगड़ा किया है? देखो, ये सब कुछ मजाक है, बकचोदी है। कुछ लोगों को ये बात समझ में आती है, कुछ लोगों को नहीं आती, लेकिन इतना बावड़ा कोई भी नहीं है जो घर पे आ जाए। In the music video of Dindora, I've seen that you do good dance, so will you be the choreographer of Salman Bhai? वो मेरी उल्टी कोरियोग्राफी कर देंगे। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो विवेक ओबरॉय वाली करते हैं कटरीना कैफ वाली। What do you think you were in your past life? पिछले जन्म में मैं खूबसूरत जंगल की वादियों में भागने वाला हिरन था, लेकिन क्या करें, ऊपर वाले ने अच्छी आंखें दी नहीं तो मुझे गोली आते हुए दिखी नहीं। और उससे पिछले जन्म में मैं एक बच्चों चिड़िया था जो दिन भर गाड़ियों की आवाज निकालती है। Who did you feel when one of your videos doesn't perform that well? देखो, बुरा सबको लगता है, गांड सबकी फटती है, लेकिन कोई भी तुम्हारा बुरा काम याद नहीं रखता, सब तुम्हारा अच्छा काम याद रखते हैं। तो जब तक मौत ना जाना, बस करते रहो। What are your future plans regarding to buy the channel? Question, love you, Carry भाई। तो पिछले साल तुमने देखा होगा कि वीडियोस काफी अलग तरह की आई थी और बहुत कम आई थी। बहुत लोग कह रहे थे तू बावड़ा हो गया है, अब शायद तेरे से वीडियो बन नहीं रही है। तो शायद तुम्हें पता ना हो, पर मैं हर साल कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं, बस चुल मचती है मेरे कीड़ा मेरे अंदर। तो वो जो स्केच वीडियोस थी, उन्होंने मेरा सारा वक्त ले लिया, और वो इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे वो बनानी आती थी नहीं, तो मैं भी कर करके ही सीख रहा था। बहुत लोग कह रहे थे कि मत कर यार, चैनल के लिए बहुत बुरा है, जो कि सही बात है, लेकिन तुम मेरे नजरिए से देखो, मैं उन्हें कब बनाऊंगा, जब मैं 40 साल का हो जाऊंगा? खैर, इस साल मैंने फैसला लिया है कि मैं तुम्हें दोनों चीजें दूंगा, रोस्ट वीडियोस भी आएंगी, स्केच वीडियोस भी आएंगी, तो इस साल बकचोदी की कमी बिल्कुल नहीं होगी। In total, how many voices can you mimic and shows all of your voices to us, please? मैं तुम्हें सारी तो नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ सुना सकता हूँ जिन्हें तुम पहचान पाओ। हेलो 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 ओए हेलो हेलो अरे भाई हेलो 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 क्यू वन यू वॉच पोकेमॉन और हेंटाई? देखो, बचपन में पोकेमॉन, जवानी में हेंटाई, रानी में मेरा प्यार, रानी में मेरी जिंदगी, देखो हेंटाई और हिला हाथ, रानी में देखो मेरे साथ। बच्चा कब करोगे, शादी से पहले या शादी के बाद? हाँ, देश की पॉपुलेशन कम चल रही है ना, मैं क्या, सबको योगदान देना चाहिए। और एक बात बताओ, अगर मैंने बच्चा कर लिया तो वीडियो कौन बनाएगा? तुम तो लिखते रहोगे वीडियो का है, और यहाँ मैं बैठ के बच्चे की हगी मूती साफ कर रहा हूँ। When will you get married? What kind of girl you want to marry? Did you get married? भाई, मेरा सवाल है, तेरी शादी कब होगी? You are my best YouTuber। शादी कब कर रहे हो? अरे रुक जाओ यार, ये कैसा प्रेशर है? मैंने शादी कर ली ना, तो इंडिपेंडेंस डे पे लोग पतंग उड़ाते हैं, मैं कटवा रहूंगा। मैं ना आसमान में दिलचस्पी रखता हूँ, घोंसलों में नहीं। पहले शादी करवा लो, फिर डिवोर्स करवा लो, फिर आधी जायदाद दे दो, फिर सहनाई की धुन पे गाड़ मरवा लो अपनी। Ever created a script or a video that you didn't release fearing controversy? Videos तो इतनी नहीं है, पर script?
ये लो, ये भी लो, ये भी लो, ये शोपित्ता पान मसाला, सूरत की फाइनल हिटमैन, घर घर का प्यार, ना जाने कितनी बकचोदी कहते स्टॉक बोल्ट में। स्टॉक बोल्ट आर्कटिक फॉक्स की नई पेशकश। ये एक ऐसी वस्तु है जिसमें तुम पासपोर्ट, आधार कार्ड, गाड़ी के कागज, जमीन के कागज, मैथ्स का पेपर सब इसमें छुपा सकते हो। ये वाटर प्रूफ है तो तुम इसके साथ नहा भी सकते हो। मुझे नहीं पता ऐसा कोई क्यों करेगा, पर जिसको जो भाए। इसमें वैक्यूम टाइप जिपर है और ये छोटे साइज में भी आता है। Do you feel performance pressure before uploading a video? ऐसे समझो वीडियो अपलोड करना एग्जाम्स की तरह है कि भैया एक दो महीने लग के तुमने अपनी भरवा ली और आज रिजल्ट डे है तो पेट में बुलबुले फूट रहे हैं, दिल की धड़कन विन डीजल से भी ज्यादा तेज हो रखी है, हाथों में पसीना आ रहा है और YouTube की अलग ही बकचोदी चल रही है। पता नहीं इस बार कौन सा रंग देखने को मिलेगा, हरा या पीला। हरा है तो नाचो, अगर पीला है तो दीवार में सर दे दो अपना, मजे ही मजे। तुम अपने साथ एक डॉल क्यों रखते हो, वो ग्रीन कलर का, प्लीज बोल दो। मैं इसे इसलिए रखता हूं ताकि मैं वीडियो बनाते हुए अकेला ना महसूस करूं। ये मेरी मानसिक और शारीरिक दोनों जरूरतें पूरी करता है। बीस्ट एक्टर अकॉर्डिंग टू यू? इस दुनिया में बहुत बढ़िया बढ़िया एक्टर्स हैं, लेकिन एक एक्टर है जिसे ना तो हॉलीवुड ना ही बॉलीवुड कोई नहीं हरा सकता। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। एक बार मैं मेडिकल स्टोर पे क्रोसीन लेने जा रहा था, लेकिन अचानक तुम में से कुछ प्यारे लोग वहाँ पे आ गए तो मैं सही में क्रोसीन लेके वापस आ गया। खैर यही तो तुम लोगों का प्यार है ना? इस बेचारे का कोई कोई कसूर नहीं। When are you calling old Carrie back? रुक जाओ, अभी कॉल करता हूँ। और मुझे ये बात बताओ यार, एक वक्त में तुम हेलो। अरे छोटे बीज वाले नपुंसक, मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा यूपीएससी के पेपर दे रहा हूँ? ये कौन सी बीमारी है? तुझे कितनी बार कहा है अपना लंड तालाब में मत डुबाया कर, भूल जाएगा। वो अनपढ़ यूपीएससी बीमारी का नाम नहीं है। अनपढ़? अनपढ़ किसे कह रहा है? मैंने ड्रॉप आउट किया है। देखो घंटा फर्क नहीं पड़ता, सब बारहवीं फेल ही कहते हैं। अच्छा सुन, तू यहाँ आ जा। ओहो, भविष्य में जाने का मौसा। हाँ वही वही वही, तेरे को ये आज की कम्युनिटी गाइडलाइंस भेज रहा हूँ। पढ़ रहा हूँ। ओहो, मार दो बहनचोद। मैं लचीलापन के निप्पलों के बल चलने को तैयार हूँ, पर मैं नहीं आऊंगा। तू बड़ा टट्टा है ना, तू संभाल। फट क्यों रही है तेरी, साथ मिलके करेंगे ना। मेरे मुठियाँ पेलने का समय हो रहा है, तू भूख खा ले। जा। हेलो हेलो, नहीं आ रहा आ रहा आ रहा। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे माफ कर देना, मैं बाकी जरूरी सवाल नहीं ले पाया, जैसे कि व्हाट इफ आई विल आस्क यू फॉर योर एस। नहीं नहीं, मुझे सही में अफसोस है। खैर मुझे तुम सबको थैंक यू कहना था, क्योंकि चाहे कितनी ही बकचोदी झेलनी पड़ रही हो, मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम लोग बहुत प्यार देते हो, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, एम करते हैं 3 मिलियन लाइक्स के लिए। और अगर तुम्हें भी डॉग वॉल्ट चाहिए तो आर्कटिक फॉक्स की वेबसाइट पे जाइए, ये वाटरप्रूफ के साथ फायर रिटार्डेंट भी है, तो आपके सारे कीमती डॉक्यूमेंट्स इसमें सुरक्षित रहेंगे। एक्सक्लूसिव लॉन्च डिस्काउंट भी चल रहा है, तो फटाफट डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक कीजिए। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पहनने जाना है। बाय। वो है तो तेरे कच्चों का शौक मेरी पीठ तोड़ देगा। अरे सो रहा है तो उठ जा, अगर उठा हुआ है तो उड़ जा, इस जमीन की कोई जंजीरें तुझे नहीं रोक सकती। हेलो हेलो सावित्री, अरे फोन मत किया कर यार, मोटिवेशन दे रहा हूँ अभी रुक जा यार। अरे कल ही तो लेके आया था, तो कितना पिया कि फट जाएगी क्या।